इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हाईलाइट। भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। टॉस गवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। न्यूजीलैंड ने निराशाजनक शुरुआत की और नियमित अंतराल पर विकेट खोए। मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदरम ने 2-2, जबकि मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव ने 1-1 शिकार की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 8 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। रायपुर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 109 रनों का लक्ष्य रखा। टीम इंडिया ने इसे 2 विकेट खोकर हासिल किया। भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया है और इस मैच के साथ ही सीरीज भी अपने नाम कर लिया है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 108 रन बनाए थे। भारत के तेज गेंदबाज ने शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि 15 रन के स्कोर पर 5 विकेट गिरने के बाद कीवी टीम के मध्यक्रम बल्लेबाज के योगदान से 108 रन का स्कोर बनाया। भारत के लिए लक्ष्य बेहद ही आसान था। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन रोहित अर्धशतक लगाने के बाद आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर विराट आते हैं और 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। हालांकि गिल एक छोर पर खड़े रहे और ईशान किशन के साथ मिलकर मैच खत्म की। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए।